मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्लास 8th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हिंदी का है, बस की यात्रा पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा हास्यप्रद है, यानी कि इसमें हंसी आती है थोड़ी सी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको, है ना दोस्तों? चलो स्टार्ट करते हैं। हम पांचों मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस इस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, यानी बस है वो क्या है, डाकिन है। यानी कि पांच दोस्त थे, वो वहाँ पर कहीं दूसरी जगह से पन्ना से लेके, और उनको कहाँ पर जाना था, सतना के लिए जाना था, और सतना वाली इसी कंपनी की बस थी, वहाँ से मिलके, यानी कि इस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए, यानी प्लेटफॉर्म से, और एक जगह से दूसरी जगह जाने पर दो बसों को चेंज करना था, और वहाँ से उसको वहाँ पर ट्रेन मिल जाती थी, वो जबलपुर से मिल जाती थी। तो इस वजह से उन्होंने नाइट की शाम की बस को जाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। लेकिन सब लोगों ने मना किया था कि हमें ये नाइट वाली बस से नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये डाकिन बस है। क्यों? क्या डाकू मिल जाते हैं? नहीं, ऐसे बताया था। कैसे डाकिन है वो हम पढ़ेंगे आज आके। यहाँ पे बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि बस कैसी थी, वृद्ध थी, यानी बहुत पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी कि बस बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, बस ये पूजा करने के लिए थी, लेकिन उस पर सवारी कैसे की जाए ये बारे में, इसीलिए लोग उसको मना कर रहे थे कि इस बस से यात्रा ना करी जाए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, यानी कि बस का जो मालिक था ना कंपनी का, उसमें एक पार्टनरशिप था, वो भी उसी में बैठा था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, आपने आप चलती है या ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? यानी कि वो जो मालिक से पूछते हैं, क्या ये बस चलती है? तो बोलता है, हाँ अभी चलेगी। तो बोलता है, वही तो हम चाह देखना चाहते हैं, यानी हाँ अपने आप चलती है, तो अभी चलेगी, रुको वेट करो। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? क्या बात है यार, बस अपने आप चलेगी बिना ड्राइवर के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यानी कि एक डॉक्टर भैया भाव उसमें बैठा था, मित्र था, उन्होंने बोला, डरो मत यार, टेंशन मत लो, बढ़िया है, बस पुरानी है तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस बहुत है बस को, है ना, नई नवेली की तरह भरोसा नहीं है, इस पर ट्रस्ट है, विश्वास है, और हमें अपने बेटों की तरह गोद में रख के ही हमें अपने गंतव्य स्थान तक हमें पहुँचा देगी, लेकर प्यार से गोद में लेकर हमें चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी कि राजा रंक तो होते ही हैं, आया है उसको जाना ही जाना है, इसी तरीका के वो उसके बारे में सोच रहे हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे हुए थे, जो बचे थे उनमें से हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी कि आवाज़ करने लग गया था। जब से इंजन स्टार्ट हुआ था पूरी बस आवाज़ करने लग जाती है, उसमें शीशे भी बहुत कम थे, और जो भी बचे हुए थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि कहीं टूट के सीट पे ना गिर जाए, इसलिए वो थोड़ा सा शीशे से भी दूर हो जाते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्से दूसरे के असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बाड़ी से सहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग रही भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, और वो यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है।
यानी कि इस तरीके का उनको फील हो रहा था, क्योंकि ट्रेन जैसी बस चलने लगी तो वो बहुत सारी आवाज़ करने लगी। कभी सीट ऐसा लगता था पता नहीं सीट टू सीट ही नीचे है, सीट के ऊपर है, बस है, पता नहीं क्या चल रहा था। इसी तरीका से सीट के ऊपर हम बैठे हैं या बस हमारे हमारे ऊपर सीट बैठी हुई है, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा पूरी बस हिल रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर खुद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल जलाएंगे। जैसे माँ बच्चे का मुंह दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा न था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टेयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पंछी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो कि जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखी तो सोचता कि उसमें बस गोता लग जाएगा। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हम गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबन में हमें इतनी अंत्येष्टि करनी होगी। यानी कि ये इतनी बूढ़ी बड़ी थी, एक बूढ़ी बड़ी लेडीज के ऊपर, यानी कि हम लोग इतनी सवारी करके ला रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा था कि इसके प्राण पाते, यानी कि मृत्यु हो गई तो हमें यहीं पर इस जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि हमें यहीं पर इसकी समाधि बनानी पड़ेगी, जलाना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति आन जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही वे थे कि एक टायर किस फिस करके बैठ गया और बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में जा गिरती। यानी कि जैसे ही वापस कोई भी गाड़ी वगैरह निकलती तो ऐसे बस कोने में रुक जाती, साइड में ऐसे कहती, जाओ भाई तुम निकल जाओ, हम तो यहीं आराम आराम से आएंगे और हमारी एज ऐसी नहीं है। फिर थोड़ी दूर चलने पर एक पुलिया के पास ही उसका टायर भी पंचर हो जाता और बस वहाँ पर रुक जाती है। अगर स्पीड में होती तो हो सकता है वो पलट भी के गिर भी जाती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग ऐसी भावना दुर्लभ होती है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती है और हम सब मर जाते हैं तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार कहेंगे, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी और कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी बस इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्राण कर जाना है। इसी पृथ्वी पर उसका कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए और हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। यानी कि इस तरीके से जब बस में टायर पंचर होने के बाद दोबारा से बस चलती है तो वो बोलते हैं कि हमें पन्ना जाने का इंतजार छोड़ दिया था, हम पन्ना पहुँच भी पाएंगे। पन्ना क्या, हम लोग कहीं पर भी नहीं पहुँच जाएंगे क्योंकि ये बस में वो लगता है हमारे प्राण है इसी बस के अंदर निकल जाएंगे और हमारा पूरा इसी में निकल जाएगा। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हजारी शंकर प्रसाद जी हैं, जो हजारी शंकर प्रसाद जी हैं परसाई जी, हरी हरी शंकर परसाई जी हैं, इनके राइटर हैं।
और इस चैप्टर के अंदर बस की यात्रा के बारे में बहुत बढ़िया वर्णन किया गया है, किस तरीका से एक 18 वर्ष के अंदर राइडर हैं वो जाते हैं यात्रा करते हैं और कैसे किस तरीका से वो बस उनको परेशान कर लेती है कि पहली बार उसको तो हिलती इतनी है पूरी, बहुत सारी आवाज़ करती है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी पुरानी है, बाल बरसों पुरानी है। और हर एक पार्ट उसका सर्वज्ञ अवज्ञ आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनको नई लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। थैंक यू बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।